हेलो एवरीवन भाई, वेलकम है भाई आप सभी का एक नई वीडियो में। भाई काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ हो गया था, कुछ इशू था, इसलिए वो सब बाद में बात है, जो भी है। तो भैया देख पा रहे हो भाई, गाड़ी में थोड़ा सा अपडेट किया भाई। अलॉय व्हील जैसी दिखने वाली भाई व्हील कैप्स का भाई, ये बलिनो 2023 जो आ रही है अभी लेटेस्ट, उसी के भाई व्हील कैप है 15 इंच के, ठीक है भाई। रिम मैंने पहले ही अपग्रेड करा दिया था टायर के साथ, तो भाई कुछ इस हिसाब से भाई देखने को लगती है, ठीक है। तो भाई देखने में ना मज़ा सा आता है इसको देखने में कि भाई, और इसका आज फायदा बताता हूँ कि व्हील कैप अलॉय व्हील से क्यों बेटर है। भैया साफ सीधी बात है भाई, ये इजी टू मेंटेन होते हैं और ये सस्ते आते हैं, साफ सीधी बात है। देखने में आपको कुछ कुछ अलॉय व्हील जैसी लुक दिखने को मिली जाती है। और तो और भाई साफ सीधी बात है, जैसे कि आप अगर अलॉय व्हील लगाओगे तो लो प्रोफाइल टायर होते हैं उसमें, तो उसमें यहाँ पे स्क्रैचेज लगते हैं, यहाँ पे उसमें स्क्रैचेज लगते हैं, तो वो ज़्यादा ख़राब लगता है, फिर उसमें डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। लो प्रोफाइल टायर मतलब ये जो इसकी प्रोफाइल है, ये जो इसकी हाइट है, ये थोड़ी कम हो जाती है अलॉय व्हील्स में, अगर आप लगवाओगे तो ही अच्छे लगेंगे वो। और फिर लगते हैं तो फिर यहाँ पे आपको इंडियन रोड कंडीशन की आपको पता ही क्या हालत है, तो उस हिसाब से यहाँ स्क्रैचेस लग जाते हैं, टायर फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, गड्ढे वड्ढे में आके, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसा भी होता है। और तो और जो अलॉय व्हील्स होते हैं वो थोड़े टायर भी चौड़े होते हैं, तो आपकी गाड़ी की माइलेज कम भी हो सकती है। और बाकी देखा जाए तो अगर आप इतने चौड़े टायर में अलॉय व्हील लगवाओगे तो आपकी माइलेज बढ़ भी सकती है, क्योंकि अलॉय व्हील्स लाइट होते हैं स्टील रिम से, इसलिए। और बस यही है, कुछ ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं है अलॉय व्हील का, पर हाँ लुक अच्छी आती है भाई अलॉय व्हील में, ठीक है। और बाकी अगर आपको उससे मिलती जुलती लुक चाहिए तो भाई ये भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं आता। और भाई अलॉय व्हील से कहते हैं कि आगे ब्रेक जो डिस्क होती हैं वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो उसमें डिस्क में वेंट होते हैं वो साइड से वेंट से नहीं होते, उसमें पियर्सिंग नहीं होती, उसमें आगे फ्रंट एयर से जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा कई कई गाड़ियों से बम्पर से रास्ता निकल रहा होता है ताकि ब्रेक को कूलिंग मिलती रहे, डिस्क को, ताकि वो जल्दी ठंडे और ब्रेकिंग एफिशिएंट हो जाए, तो ऐसा कुछ है। और बाकी भाई गाड़ी तो इस हिसाब से लुक लग रही है। और भाई वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और बाकी और भाई कुछ आतंक मचाने वाला हूँ, ठीक है, अपनी शक्ल दिखा देता हूँ, कुछ इस हिसाब से हो रखी भी फिलहाल। हाँ भाई थोड़ा बहुत चेंज किया है अपने आप को, और बाकी वीडियोज़ में भी कुछ नया चेंज आएगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तब तक के लिए बने रहें, थम्स अप।